वेलकम टू दोस्तों, स्वागत है आपका हेम सिंह टेक्निकल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनबॉक्सिंग में GoPro का मीडिया मोड। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है GoPro के लिए और ब्लॉगिंग के लिए और वीडियो चैनलिंग के लिए। तो इसमें हम आपको लेकर आए हैं GoPro के मीडिया मोड फंक्शन। तो आपको दिखा दें, ये हीरो 11 ब्लैक, हीरो 10 और हीरो 9 सभी पे काम करता है। इसमें आपको मिलता है वेदर रेसिस्टेंट डायरेक्शनल माइक, 3.5 mm माइक पोर्ट, HDMI आउटपुट पोर्ट एंड USB-C पोर्ट, यानी कि आपके GoPro को ये चार चांद लगा देगा। कैसे लगाएगा? वो वेरी सिंपल है। आप इस मीडिया मोड को अपने GoPro पे लगा के GoPro के साथ जब आप लाते हो, तो ये हमारा GoPro है, इसके साथ हमें आपको जो माइक मिलता है वो नॉर्मल मिलता है। और ब्लॉगिंग में अगर आपको हेलमेट पे इसको लगा रखा है तो आपका माइक काम नहीं करता है। तो इसके लिए आपको ये इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ता है जिसका नाम है मीडिया मोड। ये आपको मार्केट से मिल जाएगा करीबन 8000 रुपये का। इस मीडिया मोड के साथ आप GoPro को एक फुल फ्लैश कैमरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं इस मीडिया मोड की अनबॉक्सिंग करके और हमारे इस GoPro 11 के साथ इसको अटैच करके कि कैसा परफॉर्मेंस ये देता है। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं मीडिया मोड की अनबॉक्सिंग। तो इसको अनबॉक्स कीजिए। आराम से तो लाइव आपके सामने बिल्कुल ये प्रोडक्ट आया है और इसकी हम मीडिया मोड की अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाते हैं। तो ये प्रोडक्ट है, देखिए इसको निकाल लीजिए बाहर। ये कुछ इसके साथ मैनुअल आए हैं और ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आया है मीडिया मोड के रूप में। अगर बात करें तो ये हमारे पास एक माउंट आया है मीडिया मोड पे ब्लॉगिंग के लिए, एक स्क्रू प्लग आया है, एक माइक का पुश होल्डर आया है, ये हम देख सकते हैं एक माइक का पुश होल्डर है। और ये है हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं GoPro का मीडिया मोड। इसमें हम अगर बात करें जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे है, एक इस पे माइक लगा हुआ है बी डायरेक्शनल। ये बैक से भी अगर आप वॉइस दे रहे हैं ब्लॉगिंग में तो भी काम करेगा, और फ्रंट से दे रहे हैं तब भी ये काम करेगा। दोनों ही सूरत में ये एक बेहतरीन काम करेगा। और इसमें मेन जो चीज़ है वो है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये HDMI के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है ये है आपका सी टाइप, और थर्ड पॉइंट है माइक्रोफोन के लिए। आप एक्स्ट्रा माइक्रोफोन भी इस पर लगा सकते हैं। एक पूरा ब्लॉगिंग सेटअप है जिसको मीडिया मोड बोलते हैं। इस मीडिया मोड के जरिए आप अपने GoPro के सारे फंक्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी इस मीडिया मोड में हम आपको इसे अटैच करके दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे आप GoPro को खोलते हैं उसी तरह इसके इस स्क्रू को आपने अनबॉक्स करना है। यहाँ पर सी टाइप लगा हुआ है जो आपके GoPro के अटैच हो जाएगा। GoPro इसमें डायरेक्ट आपको इंसर्ट कर देना है। GoPro जैसे इसमें इंसर्ट हो जाएगा तो ये लॉकिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब आपका GoPro इसके साथ इंस्टॉल और फिट हो चुका है चलने के लिए। अब आप इसी पुश बटन से जो अंदर लगे हुए GoPro के पुश बटन को ऑन कर देगा, ये GoPro 11 वर्किंग करने के लिए ऑन हो गया। आप देख सकते हैं बेहतरीन फंक्शन के साथ। इसी के साथ इस पे ये होल्डर भी यहाँ आप प्लस होल्ड कर सकते हैं ताकि आपको एक बेहतरीन वीडियो बनकर आ सके। और एक इसका स्क्रू स्टैंड भी इसके साथ ही आपको मिलता है। इन पाइप्स को आप निकाल के और यहाँ पे आप ब्लॉगिंग सेटअप के लिए भी अपने GoPro को यूज़ कर सकते हैं। ये सारा सामान आपके GoPro के अलावा इस मीडिया मोड के साथ ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये GoPro का पूरा मीडिया मोड बनकर आपके ब्लॉगिंग के लिए तैयार है जी। अभी इस GoPro के मीडिया मोड पर आप अपने ब्लॉगिंग सेटअप को इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए,
ये पूरा GoPro मीडिया सॉल्यूशन आप लोगों के लिए तैयार है, जिसके जरिए आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसके साथ कुछ टूल्स आपको और भी मिलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट अडॉप्टर। अगर आप HDMI के थ्रू अपनी वीडियो को लेना चाहते हैं तो ये ब्लॉगिंग सेटअप भी इसके साथ आता है। इस अडॉप्टर का काम है आपकी आउटपुट को कंप्यूटर में इन करके देना। बेहतरीन पैकिंग में ये इंस्ट्रूमेंट आपके साथ आता है। ये एक अडॉप्टर है USB to HDMI। इसका काम क्या है, ये USB पे आपके कंप्यूटर में अटैच हो जाएगा और HDMI आकर यहाँ पे इसमें प्लग इन हो जाएगा। एक सिंपल सा सोल्यूशन है ये USB to HDMI। अगर आप GoPro की एज ए वेब कैमरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, एज ए कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके जरिए आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक केबल चाहिए होगा जिसको बोलते हैं माइक्रो HDMI टू नॉर्मल HDMI। ये केबल भी आपको मार्केट से मिल जाएगा। इस केबल का काम क्या है, यहाँ पर ये HDMI आउटपुट देगा जो आप डायरेक्ट GoPro का आउटपुट नहीं ले सकते हैं। देख सकते हैं नॉर्मल HDMI केबल है ये, और इसमें यहाँ पर माइक्रो HDMI है। ये सेकंड इसका माइक्रो HDMI पोर्ट है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करता है। जो आपका GoPro मीडिया मोड आया है इसके इस पॉइंट को आप अनप्लग कीजिए और ये माइक्रो केबल यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद अब आपको मीडिया मोड का आउटपुट इस HDMI के जरिए आउट मिलना शुरू हो जाएगा। अब इस HDMI को आप अपने TV स्क्रीन पे या कहीं भी अटैच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आप चाहते हैं कि इसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना है तो फिर आपको नेक्स्ट सोल्यूशन चाहिए, ये वाला। इसके जरिए आप इस HDMI को किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, एज ए USB केबल में। USB केबल के बाद आप HDMI के थ्रू आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ब्लॉगिंग सेटअप में आपको नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए वो चाहिए सोनी कंपनी का माइक। सोनी कंपनी का माइक भी हमने इसमें मंगाया है, जिसकी हम अनबॉक्सिंग भी इसी GoPro मीडिया मोड की अनबॉक्सिंग में दिखा देते हैं। ये एक सोनी का माइक भी आपको इसके लिए लेना पड़ेगा। अगर आप मोटर ब्लॉगर हैं और आप नहीं चाहते कि कोई डिस्टर्बेंस आए आपके मीडिया मोड में, तो आप इस सोनी के माइक के जरिए भी कर सकते हैं। ये माइक भी आपको इस सेटअप के साथ लेना ही होगा। ये छोटा सा माइक है जी, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 2000 रुपीज़, और ये दुनिया का तो नहीं कह सकते बट एक ब्लॉगिंग में सबसे बेटर सोल्यूशन है। इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। ये इसकी एयर फिल्टर जाली है और ये टू वे माइक बोलते हैं इसे सोनी का। लेफ्ट एंड राइट दोनों ही जगह से ये आपकी रिकॉर्डिंग को कर सकता है। इसको बोलते हैं दोस्तों टू वे माइक। ये दोनों ही सोल्यूशन में आपके लेफ्ट और राइट से रिकॉर्डिंग को कर सकता है और ये एक बेहतरीन माइक है। और ये कैमरा माइक है, ये किसी भी फ़ोन पे अटैच नहीं होगा। आपको फ़ोन का हम हेडफोन दिखा देते हैं, आपको दिखा दें। ये तरह के ये जो ईयरफोन आते हैं ये आपके मोबाइल में लग जाते हैं, जिसमें एक पॉइंट होता है माइक का, एक लेफ्ट और राइट साउंड का। जबकि ये केवल माइक का लीड है, उसमें दो ही पॉइंट है, एक अर्थ एक लेफ्ट और राइट। तो ये प्रॉपर माइक सेटअप है कैमरास के लिए, चाहे आप इसे GoPro पे इस्तेमाल करें, चाहे DSLR पे कीजिए, ये केवल इन्हीं इंस्ट्रूमेंटों में इस्तेमाल होगा। तो और इसके जरिए आपको बेटर ब्लॉगिंग वीडियो मिल पाएगी। तो आपको लगा के दिखा दे, ये एक बेटर सोल्यूशन है। जो GoPro मीडिया मोड का सबसे नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पर आकर आपका मीडिया मोड बिल्कुल सही लगेगा। और इसकी जो किल्ली है वो भी राइट लेफ्ट में ट्रंक है, ताकि ये आपके हेलमेट में या ब्लॉगिंग के दौरान कहीं डिटेक्टेबल ना रहे। तो ये प्रॉपर एक मीडिया मोड आपका बन गया है। और अभी ये भी हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं मीडिया मोड में आप नीचे देख सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम के वाइब्रेशन आ रही है जो GoPro पे नहीं आती। मीडिया मोड लगाने के बाद ही आपको ये वॉल्यूम्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और अब आप इस सोनी के माइक के जरिए इस मीडिया मोड को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसका एयर फिल्ट्रेशन है, ताकि जो हवा की आवाज़ है
या जो इको फैसिलिटी है वो आपको ज़्यादा कवरेबल के साथ ये माइक काम कर पाए। तो ये एक पूरा सोल्यूशन है सोनी की तरफ से, जेन्युइन माइक, गोप्रो का माइक और एक बेटर सोल्यूशन जिसके जरिए आप अपनी ऑडियो और वीडियो और अपनी ब्लॉगिंग वीडियो को सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट क्वालिटी से बना सकते हैं। दोबारा बता दें, हमने आपको दिखाया ए अनबॉक्सिंग में एक मीडिया मोड गोप्रो का, जो गोप्रो 11, 10 और 9 सभी पे काम करता है। उसके बाद हमने आपको दिखाया एक सोनी का प्रोफेशनल माइक जो इसके साथ आपको ब्लॉगिंग सेटअप प्रोवाइड करता है। फिर हमने आपको दिखाया एक USB अडॉप्टर HDMI टू USB कन्वर्ट करने के लिए, और फिर हमने आपको एक माइक्रो HDMI टू नॉर्मल HDMI केबल दिखाई जिसके जरिए आप ये सारे काम कर सकते हैं बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन सेटअप के साथ। तो आज हमारे चैनल पे हमने आपको GoPro 11 का मीडिया मोड और उसके पूरे अटैचेबल सॉल्यूशन बताए। इसके अगर आप हमारे अच्छे इस वीडियो पे व्यूज़ आते हैं तो हम इसके सेकंड थर्ड पार्ट भी बनाएंगे जिसमें हम इंडिविजुअली सोनी का माइक का आउटपुट चेक करके बताएंगे कि वो GoPro के मोड के साथ वॉल्यूम कैसा आता है और माइक के साथ कैसा आता है। इसी तरह हम आपको अलग अलग चीज़ें भी, इनके HDMI केबल भी आउटपुट दिखाएंगे, कैसे इस PO बॉक्स के जरिए हम HDMI के GoPro के थ्रू एज ए वेब कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम GoPro की लाइव वीडियो दे सकते हैं OBS में। ये सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पे आपको मिलेंगे और आप हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। और आखिरी में दोस्तों, ये सभी वीडियो स्पॉन्सर नहीं है तो हम आपको बिल्कुल एक्चुअल फीडबैक देंगे जैसा कि होगा। ये हमने अपने टेक्निकल चैनल के लिए सेटअप मंगाया है, इस सेटअप में हम आपको सारा सॉल्यूशन दिखा रहे हैं और उनका एक्चुअल रिव्यू देंगे। तो आज तो हमने केवल अनबॉक्सिंग वीडियोस डाली है हमारे चैनल पे, इन फ्यूचर हम आपको अपने चैनल पे इनकी परफॉर्मेंस और इनकी क्वालिटी भी चेक कराएंगे समझ में। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड जय हिंद।